बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, परीक्षार्थी मैट्रिक उत्तीर्ण करने पर जो आपका प्रोत्साहन राशि मिलता है 10,000 रुपया, उसके लिए आप सभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। आपका फिलहाल आपका इंतजार की घड़ी आपका समाप्त हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ऑफिशियल लिंक शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर मैट्रिक पास करने प्रोत्साहन राशि 2024 के लिए जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं किस रूप में आपका लिंक काम कर रहा है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे और उसके साथ साथ आपको मैट्रिक में अगर मान लीजिए प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, किसी भी श्रेणी अर्थात कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी भी डिवीजन से अगर आप पास किए मैट्रिक में आपको और उसके साथ साथ कितना रुपया आपको मिलेंगे, और उसके साथ साथ जिन छात्र छात्राओं ने साल 2019 से 20, 21, 22, 23 इनमें मैट्रिक उत्तीर्ण कर चुके थे लेकिन उनमें किसी कारणवश अपना आवेदन नहीं कर पाए थे, तो उन सभी छात्र छात्राओं को मौका दिया जा रहा है। आप सभी जिस वर्ष मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2000 पास किए अर्थात कि आप किसी भी साल इनमें से अगर आप किसी भी वर्ष अगर पास किए हैं तो आप अपना अलग अलग लिंक में आपके लिए जारी कर दिया गया है। अलग अलग लिंक से आप अपना आवेदन कर सकते हैं अर्थात कि आप 6 वर्ष पहले भी आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं तब भी आप अपना मैट्रिक उत्तीर्ण पास करने पर तब भी आप अपना इसका लाभ ले सकते हैं। अब चलिए समझते हैं कि किस रूप में आप आवेदन करेंगे, उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने जा रहा है। तो ध्यान से कब से कब तक आवेदन होगा, अगर मान लीजिए अगर आप 6 साल पहले भी अगर आप मैट्रिक उत्तीर्ण किए हैं तब भी आप आवेदन अपना कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी चीज का। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करें मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना 2024 में जरूरी डॉक्यूमेंट है आपके लिए जो आपका मार्कशीट है अर्थात की 10th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट पर जो आपका नियम हो उसका बैंक अकाउंट जो छात्र छात्राओं का परीक्षार्थी का उनका बैंक अकाउंट, उनके बाद IFSC कोड, बैंक का ब्रांच, उसके बाद आपका आधार नंबर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जा रहा है डॉक्यूमेंट में, और उसके बाद आपको यहां पर ईमेल आईडी, एक चालू मेल आईडी अपना बना लीजिए, उसके बाद आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अर्थात कि आय प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। आप यहाँ पर क्लियर समझ चुके होंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए आप बताया जा रहा है कि आवेदन अगर मान लीजिए आवेदन का आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक का पास जिसका मैट्रिक पास अंक प्रमाण पत्र लगेंगे, अगर उसके बाद आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड, बैंक खाता का पासवर्ड लगेंगे, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, इतना नहीं लगेंगे, आप अपना निवास अर्थात कि आय प्रमाण पत्र भी बना लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक से भी काम चल जाएगा। और अगर कोई दिव्यांग को छात्र है तो उसे दिव्यांग मानपत्र आदि उसे लगने जा रहा है। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कब से कब तक आपका आवेदन होगा, उसके साथ साथ इस योजना का कौन कौन सा लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैट्रिक बालक बालिका पोषण आवेदन के लिए आप कौन छात्र करेंगे, तो वो आवेदन करेंगे जो बिहार बोर्ड से क्लास 10th अगर पास किए होंगे, बिहार बोर्ड का वो निवासी होना चाहिए, वो इस आवेदन का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के पास उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आवेदन के आधार कार्ड होना अनिवार्य है, आवेदन बिहार बोर्ड से मैट्रिक 2024 में उत्तीर्ण किया होना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री बालक बालिक प्रोत्साहन योजना क्या है, इसके साथ साथ ये योजना के 10वीं में क्या होता है मैं आपको पूरी चीज बता दिया था पहले। इसके लिए आपको कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, तो देखिए इसके लिए पोर्टल कब से कब तक खोला गया है, 15 मई तक इसका पोर्टल खोला गया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या शर्त है, तुम जो भी आपका मैंने बताया ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार लिखना है, उसके बाद अगर आप फर्स्ट डिवीजन से अगर पास किए हैं तो लड़का लड़की सभी के इसमें 10,000 रुपया मिलेंगे। अगर मान लीजिए आप फर्स्ट डिवीजन से पास अर्थात की सेकेंड डिवीजन से भी पास, अगर आप SC ST कास्ट कैटेगरी के छात्र छात्रा हैं तब आपको 8,000 रुपया मिलने जा रहा है। आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सभी डॉक्यूमेंट के बताए, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक क्या है चलिए सीख लेते हैं। देखिए बेहद आसानी से ऑनलाइन आवेदन करना अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको 2-3 चीज आपको गाइड लेना आपको बता देता हूं, उसके बाद अपना आवेदन कीजिएगा जिससे आपको कोई भी आगे दिक्कत समस्या का सामना ना करना पड़े। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए चाहे इसका लिंक जारी कर दिया गया बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर जो जो मैं आपके सामने गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने टाइप करता हूँ उसी में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च करना है। तो सिंपल सा आएंगे इस चैनल पर, यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है आपको क्या है, सबसे पहले आपको टाइप करना है आपको मेधा शॉप यहाँ पर लिख देना है। जैसे मैं आपके सामने मेधा शॉप यहाँ पर .bihar.in लगाना है आपको, यहाँ पर देखिए किस इस प्रकार से आपको अपना टाइप कर लेना है जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा दिया हूँ। यहाँ पर आपको इसी में आप टाइप करेंगे, उसके बाद सिंपल सा सर्च वाले ऑप्शन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं मेधा शॉप का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ चुके हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल बताया गया मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना 10th पास प्रोत्साहन राशि, यहाँ पर आपको देखिए 2019 से 20, 21, 22, 23, उसके बाद 24, अर्थात कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
6 साल पहले अगर भी आप मैट्रिक पास किए हैं ना, तब पर भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सभी के लिए यहाँ पर आपके लिए योजना का लाभ यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर शुरुआत कर दिया जाएगा आगे कुछ दिन के बाद। फिलहाल अभी 2024 के लिए लिंक एक्टिव किया गया है, तो आप यहाँ पर आप लिंक एक्टिव किया गया 2024 के लिए, तो आप 2024 में फिलहाल अगर आप पास किए कुछ दिन के बाद ये 2023 का, 22 का, उसके बाद 2021 का भी और 20 का भी सभी का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड हर एक बार जिन जिन परीक्षार्थी का छोटा हुआ रहता है सभी परीक्षार्थी का मौका देता है उनको भी लाभ लेने के। इस पर सबसे पहले आना है, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 15 अप्रैल से लेकर आपको 15 मई तक इसका आवेदन करने की लास्ट तिथि है। चलिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और सभी चीज़ को मैं आपको बता दिया था, सभी चीज़ अगर आप तैयार रखेंगे उसके बाद आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपके सामने क्लिक करेंगे यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं प्रोत्साहन राशि, यहाँ पर प्रोत्साहन राशि 2024 का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अगर आप सभी छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन भी बैंक खाते में आपका सीडेड डीबीटी के लिए नहीं है बैंक तुरंत उस संपर्क करें, क्योंकि आप सीडिंग खाते के आधार पर लिंक अलग चीज होता है, जिसे भी बैंक अकाउंट को सीडित नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मान इंपोर्टेंट आपके लिए हेडिंग कर दिया गया है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपका किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है, उससे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको सीडेट करा लेना है, ताकि आप बैंक अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर जहां पर भी आपको पहले आपको जांचेंगे कैसे, तो अगर मान लीजिए अगर आपके बैंक अकाउंट में अर्थात कि आपका आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप खुद भी जान सकते हैं आधार कार्ड में अगर आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको क्या कर लेना है, सिंपल सा आधार कार्ड में आपको मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, इस आधार कार्ड को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप जानते हैं जैसे कि आप आधार कार्ड के वेबसाइट पर जाएंगे तो आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा, वो ओटीपी अगर आप डालेंगे उसके बाद ओटीपी जैसे ही आपका वेरीफाई होगा वैसे ही आपको लिखा जाएगा आपका ये बैंक अकाउंट में आपका ये आधार नंबर आपका सीडेट है, वो आपको तभी भी आपको दिखा सकता है। अगर मान लीजिए आपको मान लीजिए अगर आपका बैंक अकाउंट सीडेट नहीं है तब आपको क्या करना है, अपने बैंक पर जाना है जहां भी आपका बैंक होगा वहां पर आपको उन लोगों को बोलना है कि अगर सीडेट नहीं है तो वो आपको फॉर्म देंगे बैंक अकाउंट सीडेट कराने के लिए, वो फॉर्म को आप फिलअप करेंगे और उसके बाद वो 100 रुपया चार्ज लगेगा आपको, वहां पर जाएंगे वो बैंक के हिसाब से वो आपको सीडेट करा देंगे, तो आप सीडेट करा लीजिएगा जिससे आपको यहाँ पर क्या होगा तो आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो आप क्लियर समझ चुके हैं, या 15 दिन के इंतजार करें उसके बाद आपको स्टेज आपको क्या करेंगे सीडेट आपको करा लेना है, ठीक है, उसके बाद आपको आवेदन कर देना है सीडेट आपको करा लेना है, इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके लिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट रेडी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पेंडिंग और पेमेंट, और यहाँ पर देखिए चेक योर नाम यहाँ पर लिस्ट है, सभी चीज़ यहाँ पर आपके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन गेट अप्लीकेशन यूजर आईडी पासवर्ड सभी चीज़ का अलग अलग लिंक है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है सिंपल साइज पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल देखिए कोई भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कोई भी वेबसाइट अर्थात की कोई भी वेबसाइट अगर जारी करता है उससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डेमो वेबसाइट जारी करता है, अर्थात कि वह वेबसाइट काफ़ी दिन मान लीजिए ये वेबसाइट सही सही रहा तो आपको मैं ऑनलाइन करके पूरे लाइव सिखा दूंगा। अगर मान लीजिए इसी वेबसाइट पर क्या होता है तो अंदर मेंटेनेंस में चला जाता है, जिससे अगर आप एक बार फॉर्म फिलअप कर देंगे तो दूसरा बार आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है उसके बाद ही आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है, क्योंकि आप अगर 10th पास किए हैं तो आपको पैसा तो आपको मिलेंगे ही 10,000 रुपया, इसके लिए आपको वेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इस बॉक्स पर सभी पर आप अगर पढ़ लेंगे उसके बाद टिक करेंगे कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं आपके सामने कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक किया आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं एक एक जानकारी आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहेंगे, आपको ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब आपको दिखा देते हैं, आपको अपना तैयार रखेंगे, उसके बाद मैं आपको मोबाइल फोन से दिखा दूंगा आप इजिली भर सकते हैं, आप अपने मोबाइल फोन से फॉर्म भरेंगे आप बिल्कुल आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए आप सभी के लिए इतना ही अपडेट था, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।